जब भी इस तरीके का कोई हादसा सामने आता है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं कैरियर बनाने की चाह में जीवन के कुछ मुख्य पहलुओं को समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये समझने का मौका नहीं मिलता कि हम जो भी कर रहे हैं वो इस जीवन का एक हिस्सा मात्र है, ना कि खुद में सारा का सारा जीवन। हालांकि ये भी एक पहलू है कि हमारे जीवन के कुछ बेहद निर्णायक, कुछ बेहद इम्पोर्टेंट निर्णयों के इर्द गिर्द ही हमारा सारा जीवन रहता है। लेकिन तब भी किसी एक महत्वपूर्ण निर्णय के गलत होने से ये सारा जीवन ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कभी भूल ना हो। जिसकी भूल सामने आ जाती है वो गलती का पुतला, और जिसकी गलती सामने नहीं आ पाती वो एकदम ठीक। अब इन सब बहस के बीच एक बात ये निकल कर आती है कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे होते हैं या उसके लिए स्कूल भेज रहे होते हैं, तब उस शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करना नहीं होता है। नौकरी से कई गुना बड़ा इम्तिहान होता है इस जीवन का, जो आपको हर कदम पर देना होता है। रिश्ते बनाने में, रिश्ते निभाने में, आगे बढ़ने में, आगे बढ़ते हुए आ रही मुसीबतों का सामना करने में, और ये सब करते हुए धैर्य और अपना विवेक बनाए रखने में। जो परीक्षाएं हमें अपने जीवन के एक पड़ाव तक देनी होती हैं, उनके लिए हमें दिन रात पढ़ाया जाता है, और जो परीक्षाएं जीवन हमारी लेता है, समय समय पर जीवन अलग अलग परिस्थिति बनाते रहता है, उसका सिलेबस तो कोई तैयार ही नहीं कराता। इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी बच्चे को हम स्कूल की परीक्षा के लिए तैयार करवाएं, तो उसे हम जीवन में आने वाली स्थितियों का सामना करना भी सिखाएं। और ऐसा करना किसी एक वर्ग के बस की बात नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ पेरेंट्स ये कह दें कि तो स्कूल को ध्यान रखना चाहिए, तो उन पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों के लिए सबसे पहले टीचर वो खुद हैं। अगर पेरेंट्स और स्कूल बच्चों को जीवन का सही मायने में और समझाने में कामयाब हो जाएं, तो जीवन की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे पास ना किया जा सके। अभी तो ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में बच्चों को अव्वल लाने की होड़ में कई बार माँ बाप बच्चों पर इतना प्रेशर दे देते हैं कि वो बच्चों की रियल स्थिति को समझने की पोजीशन में नहीं होते हैं। अगर बच्चा उनको अपनी कोई मुसीबत बताता भी है या समस्या बताता है, तो पेरेंट्स को कई बार लगता है कि ये सब काम ना करने के तरीके हैं। तो अगर उस समय आप बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं, या फिर बच्चे को अगर कभी भी मन में या दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी जो परिस्थिति है उसको अपने पेरेंट्स से शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा आने वाले कभी भी किसी भी टाइम में आपको अपनी परिस्थिति से अवगत ही ना कराए। और जैसा जैसे अपनी गलती को मानना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई आदमी अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, उसी तरीके से अगर बच्चे को अपनी को कोई परेशानी फील हो रही है और वो अगर आपको उसको बता रहा है, तो आपको इतना विश्वास उसमें जगाना है कि बच्चे को ये लगने लगे कि आप हमेशा वहाँ पे खड़े हुए हैं उसकी बात सुनने के लिए। कई बार तो सामने वाले की बात सुनना ही बहुत बड़ा सपोर्ट देना हो जाता है। तो जीवन के हर क्षण ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट होने से पहले इस जीवन के स्टूडेंट हैं। आप किसी स्कूल के एग्ज़ाम में फेल हो जाए वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जीवन के एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना होता है, क्योंकि हम में से हर एक आदमी, हर एक बंदा इस सोसाइटी के लिए एसेट का काम करता है। हम सबका माइंड अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें या फिर अपने जीवन के अर्थ को पहचानें, तो हम समाज को प्रोग्रेस करने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम उस जीवन में ही फेल हो गए, तो एक तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ने में जो उसकी एक मैन पावर थी उसको कहीं ना कहीं खो देती है। तो इसी के साथ ही आपसे इस आशा के साथ अलविदा लेता हूँ कि हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है,
और हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी है। तो इस जीवन को संभाल के रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।